आहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में नए मंत्रिमंडल और सरकार गठन को लेकर बैठकों और मंथन का दौर लगातार जारी है। इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ आज फिर दिल्ली में मौजूद रहेंगे। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार गठन को लेकर यूपी के नेताओं की आज दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बैठक के लिए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो जब से फैसला सामने आया है चुनाव का, उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है। सभी बड़े नेता आज बैठक में शामिल होंगे और एक बार फिर मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इसमें सभी मुख्य चेहरे जो उत्तर प्रदेश से हैं, वो चाहे कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा करेंगे। काफी अहम जिम्मेदारी है जिसको सौंपने से पहले कई दौर की वार्ता चल रही है और नए मंत्रिमंडल और सरकार गठन को लेकर बैठकों और मंथनों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि जब केंद्र में सत्ता फिर से दोहराई गई तो उस दौरान भी कई ऐसे बड़े चेहरे थे जिनकी जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया और उनको नए विभाग सौंपे गए। और इस बार जब उत्तर प्रदेश में नई दोबारा से एक बार फिर सरकार की जो कार्यप्रणाली शुरू हो रही है, तो उसको लेके तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार किया जाएगा और तमाम बड़े चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, आज एक बार फिर बैठक होनी है मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार गठन को लेकर, कई बड़े चेहरे आज बैठक करेंगे, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? जी शिखा, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा दिल्ली दौरा है। इससे पहले भी वो दो दिवसीय दौरे पे गए थे। वही आज के दौरे की जो बात निकल के आ रही है, वो होली के बाद जो उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में शपथ के कार्यक्रम रखे गए, उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में होली के बाद शपथ होना है। तो साथ ही साथ नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके बीजेपी के जेपी नड्डा, उनके समक्ष और तमाम वो बड़े पदाधिकारी, चाहे बात की जाए चुनाव प्रभारी सुनील बंसल की या यूपी चुनाव प्रभारी आपके बीएल संतोष, चाहे उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, साथ ही साथ आपके उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव, सब लोग जो सबकी एक शीर्ष नेतृत्व है, चाहे प्रदेश चाहे वो केंद्र की संगठन की नेतृत्व हो, वो सभी लोग बैठकर अब उत्तर प्रदेश के अगले मंत्रिमंडल पे बैठ के विचार विमर्श करेंगे और नामों को वहां से निकल के आएगा और होली बाद नया मंत्रिमंडल हमें देखने को मिलेगा। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में इस बार 3 डिप्टी सीएम होंगे, तो वो डिप्टी सीएम कौन होंगे उन पे मंथन होगा। साथ ही साथ कुछ युवा चेहरों की बात चल रही है कि युवा चेहरों को मौका मिलेगा, तो युवा चेहरों के जो बड़े नेता है, चाहे बात की जाए पंकज सिंह की, चाहे बात की जाए कांग्रेस से बागी होकर आई अदिति सिंह, इन सभी के ऊपर मंथन किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कितने युवा और कितने महिलाओं का इस मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। वहीं अगर बात करें तो इस बार के जो डिप्टी सीएम की रेस में महिला नाम भी एक चल रहा है, जो कि पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है, वो हो सकता है उन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया जा सके। और साथ ही साथ आपके केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के संगठन में भेजने की बात कही जा रही है, मगर मंत्रिमंडल में का नाम आने के बाद इस पे विराम लगने को होगा। जी जी विभाषु, जिस तरह से नए डिप्टी सीएम की खोज लगातार जारी है तो कई नाम इसमें शामिल भी है, लेकिन अगर बात करी जाए केंद्र की, जब केंद्र में दोबारा से सत्ता दोहराई थी तो कई ऐसे चेहरे थे जिनकी जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया था, वो चाहे राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, इन दोनों का जो काम है उसमें बदलाव कर दिया गया था। तो वही निर्मला सीतारमण वैसे के वैसे ही रही, उनको वित्त मंत्री ही बनाए रहने दिया गया। तो इस बार के जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, क्या लगता है कि कौन से चेहरे हैं जिनको दूसरा विभाग सौंपा जाएगा और कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनके पास वही विभाग रह सकता है? हालांकि अभी बैठक चल रही है, इसमें मंथन चल रहा है, लेकिन आकलन क्या कर सकते हैं?
जी शिखा, आपने सही कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद चाहे बात की जाए सूचना प्रसार मंत्री रविशंकर प्रसाद जो कि बिहार से आते हैं, चाहे ऐसे कई बड़े नेताओं को उनके मंत्री मंडल पद से वापस लिया गया, कुछ नए चेहरों को लाया गया था, वैसा ही ठीक उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस बार के जो मंत्रिमंडल होगा उसमें खास तौर पे युवा और महिलाओं का भागीदारी सही मात्रा में होगी पिछली सरकारों से, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ देवरिया से जीत के आए मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार सलभ मणि त्रिपाठी जो कि एक अहम योगदान उनका सरकार में देखने को मिल सकता है कि वो भी इस बार राज्य मंत्री या उनको स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही साथ पंकज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के बड़े बेटे हैं और साथ ही साथ भाजपा के दिग्गज नेता हैं और इस बार उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा वोटों से जीतने की, तो और उनकी बात करें तो पंकज सिंह को भी हो सकता है कि एक अच्छे जो बड़ा मजबूत मंत्रालय उन्हें दिया जा सके। साथ ही साथ अदिति सिंह की भी बात चल रही है कि अदिति सिंह भी कांग्रेस से बागी रही है, कांग्रेस की पुरानी विधायिका रही है, अब भाजपा में है तो उनको भी मंत्रिमंडल दिया जा सकता है। साथ ही साथ एक बड़ा चेहरा जो कि यादव कुनबे की बहू अपर्णा यादव हो सकता है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, और ब्रिजेश पाठक की जो कि कानून मंत्री के पद पे वह काम कर चुके हैं उनके पद में कुछ पदोन्नति की जाए। वही बुजुर्ग नेताओं की बात की जाए तो जो बुजुर्ग नेता है चाहे बात की जाए सुरेश खन्ना की चाहे बात की जाए शिव प्रताप शाही की, हो सकता है कि जो बुजुर्ग नेता है वरिष्ठ नेता है उनको अपने पद को छोड़ना पड़े और नए को जगह देना पड़े, जैसे कि 2019 के चुनाव में आपने देखा था कि बुजुर्ग नेताओं को मंत्रिमंडल से हटाकर उन्हें संगठन में भेजा गया था, ऐसा उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अंदर में भी हो सकता है। सिंह अपर्णा यादव दो ऐसे महिला चेहरे हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है और जिस तरह से बीजेपी महिलाओं को साथ लेकर चल रही है, हालांकि कांग्रेस ने बड़ा नारा दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, महिलाओं को साथ लेकर चल रही थी लेकिन कहीं ना कहीं ये नीति फेल नजर आई, लेकिन बीजेपी भी लगातार महिलाओं का समर्थन लेकर चल रही है, महिलाओं के लिए काम करने का दावा वादा कर रही है। तो अगर मंत्रिमंडल की बात करी जाए तो इन दो बड़े चेहरों को छोड़ के और कौन कौन से महिला चेहरे हो सकते हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? विभांशु आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो विभांशु से संपर्क हमारा टूट गया है, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो कई ऐसे अहम चेहरे हैं जिनके नामों पर चर्चा चल रही है, तो वहीं अगर महिला चेहरों की बात करी जाए तो सबसे तीन नाम अहम है जिसमें तीन नामों में अपर्णा यादव है, अदिति सिंह है और तीसरी बेबी रानी मौर्य है, जिनका नाम बेबी रानी मौर्य का नाम जहां डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है। अगर देखा जाए तो एक महिला एक पुरुष डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं और दो डिप्टी सीएम रहेंगे, तो जिसमें सबसे अच्छा कार्य का अच्छा काम किसका रहा है उसको देखते हुए, जिसके साथ जन समर्थन है या फिर सूझबूझ को देखते हुए तमाम चीजों पे मंथन करने के बाद ही नए डिप्टी सीएम का चुनाव हो सकता है। और इन्हीं सब चीजों पे मंथन करने के लिए दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में आज चर्चा चल रही, कई बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे और मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा होगी। काफी अहम है बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए बहुत अहम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ से ही दिल्ली की कुर्सी मजबूत होती है और यहाँ पे पकड़ बनाना सबसे ज्यादा जरूरी था। हमने चुनाव के समय पे भी देखा, सबसे ज्यादा जान यहीं फूकी गई, सारे बड़े नेता सबसे ज्यादा प्रचार करने उत्तर प्रदेश में ही आए, हर एक जिले को कवर करते हुए प्रचार प्रसार किया गया। रुक करते अगली खबर की तरफ। देश भर में कोविड 19 महामारी के खिलाफ जंग जारी है और इस समय इस क्रम में जहां देश भर में सभी स्कूलों के खुलने की शुरुआत हो गई है, तो वहीं कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत आज एक अहम चरण की शुरुआत होने जा रही है। इसमें 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस चरण में 2008 से 2010 में जन्मे बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इस आयु वर्ग में वैक्सीनेशन के ये पात्र बच्चों की आबादी करीब 7.11 करोड़ है। इस चरण में बच्चों को हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई कंपनी की वैक्सीन कार्बेवैक्स की डोज दी जानी है। साथ ही देश में अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को सतर्कता डोज लगाई जाएगी। इससे पहले इस आयु वर्ग के गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को यह डोज लगाई जा रही थी, यानी कि देश में सबसे ज्यादा 90% से ज्यादा लोगों का दोनों डोज का वैक्सीनेशन भी हो चुका है। तो वहीं अगर बात करी जाए युवाओं की, तो
15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चों का भी लगभग वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है फर्स्ट डोज का। तो वहीं आज एक नई पहल शुरू होने वाली है जिसमें 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज दी जानी है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस चरण में 2008 से 2010 के बीच में जन्मे बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक नई वैक्सीन है कार्बेवैक्स, उसकी डोज दी जा रही है। और साथ ही अगर बात करी जाए इस आयु वर्ग के बच्चों की तो उनकी आबादी 7.11 करोड़ है। और इस चरण में बच्चों को हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई कंपनी की वैक्सीन कार्बेवैक्स की डोज दी जानी है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, एक नई शुरुआत हो रही है, अब धीरे धीरे करके छोटे बच्चों की तरफ भी वैक्सीनेशन का पड़ाव बढ़ रहा है। आज 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, कितनी बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल शिखा, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार वैक्सीनेशन को लेकर और कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लगातार पालन कराती नजर आई है और वैक्सीनेशन पे खास फोकस रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनवरी के महीने की अगर बात करें तो इस तब 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया था। और वहीं अब अगर बात की जाए तो 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन है वो शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल भी पहुंचे, जहां पर पूरी तरह से व्यवस्था का जायजा लिया, निरीक्षण किया। और इसके साथ ही बच्चों के अलावा जो बुजुर्ग हैं उनको भी अब अनुमति दे दी गई है कि वो प्रिकॉशन डोज लगवा सकें। साथ ही आपको बताना चाहेंगे जो राज्य टीकाकरण अधिकारी हैं उनके डॉक्टर अजय घई, उनके मुताबिक लगभग प्रदेश में जो बच्चों की संख्या है 12 से 14 साल की उम्र की वो लगभग 1,30,00,000 है। और वहीं अब इसका वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और साथ ही इनको जो वैक्सीनेशन दी जाएगी जो बच्चों को वो ना कोवैक्सीन ना कोविडशील्ड, इन्हें एक कॉर्बीवैक्स वैक्सीन दी जाएगी जो हैदराबाद के बायोलॉजिकल ई डिपार्टमेंट में बनी हुई है। और उसके साथ ही इसका जो सेकेंड डोज होगा वो 28 दिनों के अंदर दिया जाएगा और लगभग 0.5 मिलीलीटर की जो क्वांटिटी होगी वो वैक्सीनेशन इन बच्चों को दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगभग सभी जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो लोकबंधु हो चाहे वो KGMU हो, तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। इसके अलावा साथ ही शिखा बताना चाहेंगे अगर जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं तो वो सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पे जा सकते हैं और वो ऑनलाइन आरोग्य सेतु से भी या कोविन से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा वो जाके वैक्सीनेशन सेंटर पे भी मैन्युअली भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और साथ ही रजिस्ट्रेशन कराने के लिए देखा कि 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत जल्दी हो गया, जनवरी से लेकर मार्च तक पहले डोज लग चुकी है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान स्कूलों का रहा है क्योंकि स्कूलों में कैंप लगा के बच्चों तक आसानी से पहुंच बनाई गई और तेजी से वैक्सीनेशन का काम पूरा किया गया। तो क्या इस आयु वर्ग के लिए भी यही सुविधा दी जाएगी स्कूलों में कैंप लगा के वैक्सीनेशन करना? बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से देखा गया है कि 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों का जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ था वो जनवरी के महीने से और लगभग 3 महीने में ये वैक्सीनेशन लगभग पूरा होता नजर आ रहा है। इसकी खास वजह है लोगों में जागरूकता, जिस तरीके से चाहे वो स्कूल हो, कोचिंग्स हो, तमाम ऐसे शैक्षणिक संस्थान हो, वो उन्होंने भी एक बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और वहां पे जाने वाले बच्चों को पूरी तरह से टीकाकरण कराया गया है। और उसके साथ ही इसकी खास वजह ये रही है जिस तरीके से अभिभावक पूरी तरह से जागरूक हैं और वो लगातार ये कोशिश करते आ रहे हैं और लगातार ये करते आ रहे हैं कि हाँ कैसे उनके बच्चों को वैक्सीनेशन हो जाए। तो इसके अलावा जो 12 से 14 साल के उम्र के बच्चे हैं उनके अभिभावकों भी कहीं ना कहीं एक राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि जिस तरीके से एक डर जरूर बना रहता है क्योंकि वैक्सीनेशन लगभग 15 से ज्यादा की उम्र के लोगों को लग चुका था, लेकिन अब वही जो छोटे बच्चे थे जो टीनेजर्स रहे हैं उन्हें नहीं लगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है। और इसके अलावा ये भी ये जो 12 से 14 साल का वैक्सीनेशन अभियान है ये भी कहीं ना कहीं स्कूल के जो लोग हैं, स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या जब तमाम जो कोचिंग्स या शैक्षिक संस्थान हैं वहां भी इसी तरह से अभियान चलेगा जिस तरह से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का अभियान चलाया गया। जी अजर, अगर बात करी जाए सतर्कता डोज की तो अब 60 साल से ज्यादा के आयु वर्ग के लोगों को भी ये लगेगी। अभी तक जो कोई गंभीर रोग से पीड़ित थे उनके लिए ये मुहैया कराई जा रही थी, तो लगभग कितने लोगों को लग चुकी है सतर्कता डोज?
जी बिल्कुल शिखा, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से 70 डोज के बारे में अगर बात की जाए तो ये डोज लगभग 39 हफ्ते जो मतलब वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लेने के बाद लगभग 39 हफ्तों के बाद ये प्रिकॉशन डोज या कह सकते हैं बूस्टर डोज लगाई जा सकती है। तो लगभग कई सारे लोगों को लगभग 30-35% लोगों को अभी तक के फिलहाल लग गई है, क्योंकि अगर 60 के ऊपर की संख्या की बात करें तो जो 60 से ऊपर की आयु के जो लोग हैं वो काफी अभी फिलहाल उतने ज्यादा नहीं है जितना 60 के अंदर वाले लोगों की आयु के लोग हैं। लेकिन फिलहाल अब वैक्सीनेशन का जो कार्य है, जो बूस्टर डोज है, वो अब जाके 60 के ऊपर वाले लोग लगा सकते हैं। लेकिन खास तौर पर शिफा बताना चाहूंगा, जिस तरीके से 12 से 14 साल के जो बच्चों का ये प्रोसेस शुरू हुआ है, इसमें जो गंभीर रूप से जो बच्चे किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें पहले ये वैक्सीनेशन कराया जाएगा। और इस वैक्सीनेशन की खास एक खूबी है, ये एक प्रोटीन वैक्सीनेशन है और इसको मांसपेशियों में लगाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए कोरोना से बचने के लिए तो कारगर साबित होगा ही, और भी तमाम बीमारियों से बचने के लिए कारगर साबित हो सकता है। जी अजहर, हमने तीसरी लहर में देखा कि वैक्सीनेशन ने अपना अच्छा खासा प्रभाव दिखाया है, कम लोग इससे प्रभावित हुए और सुरक्षित ही कोरोना से लड़के बाहर आ गए। तो अगर बात करी जाए इस वक्त के आंकड़ों की, तो आंकड़े भी सामने आ रहे हैं लेकिन कोई गंभीर परिस्थिति नहीं देखने को मिल रही है, पहले से आंकड़ों में कमी भी आ गई है। लेकिन होली का त्यौहार है, एक बार फिर से कोरोना का भय कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ावा दे सकती है। हालांकि लोग वैक्सीनेटेड है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए सतर्क रहना कितना जरूरी है। बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से हमने दूसरे सेकेंड वेव में देखा कि किस तरीके से जो वैक्सीनेशन प्रोसेस था, जो वैक्सीनेशन अभियान कहीं ना कहीं उतना ज्यादा नहीं था, उतना ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो पाए थे, जिस तरह से सेकेंड वेव काफी भयावह थी और उसमें काफी लोग संक्रमित हुए। उसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड वेव की, तो थर्ड वेव में ज्यादातर वैक्सीनेशन हो चुका था, उसमें बच्चे भी शामिल थे, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव लोगों पर कम पड़ा। लेकिन वहीं अगर होली का जो ये त्यौहार है, और इसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं लोगों में ये एक ऐसा त्यौहार है जो एक सार्वजनिक तौर से मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही जो आंकड़ा है कोरोना का वो फिलहाल इतना ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी वेव में हमने देखा लोग लगातार वैक्सीनेटेड हैं, ज्यादा से ज्यादा तो लोग वैक्सीनेटेड हैं, और वहीं अब सरकार ने 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी है, तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन का ये प्रोसेस है, और लगभग अगर फर्स्ट डोज की बात करें तो पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में लगभग 100% लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, वहीं 82% लोग ऐसे हैं जो अभी सेकेंड डोज लगवाए हैं अभी। लेकिन तो फिलहाल जो इसका संक्रमण है वो इतना ज्यादा नहीं फैलेगा, लेकिन विशेषज्ञों का साफ तौर से ये कहना है कि हो सकता है जून का जो ऐसा महीना है उसमें फोर्थ वेव आने की संभावना है, लेकिन वो इतना ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन, ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं, और जिस तरह से तीसरी लहर आई और चली गई, काफी कम लोग संक्रमित तो जरूर हुए लेकिन उतनी गंभीरता से संक्रमित नहीं हुए, तो ऐसे ही माना जा रहा है कि फोर्थ वेव भी इसी तरह से आएगी और चली जाएगी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजहर जुड़े थे। तो आज 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और अब जल्द ही वो भी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। और अगर बात करी जाए छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों को भी जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया कराने की पूरी कोशिश में लगी है स्वास्थ्य विभाग, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार रिसर्च करी जा रही है और लगातार कोरोना को हराने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।